तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 26 मार्च 2023 की, साथ ही में दिन है रविवार का। वहीं हिंदी तारीख शुक्ल पंचमी और महीना चल रहा है चैत्र का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है हिंदू राष्ट्र के बैनर को लेकर। जानकारी के मुताबिक हिंदू नव वर्ष पर बिहार के दरभंगा में हिंदू राष्ट्र लिखा बैनर लगाने के मामले में पुलिस ने बीते शुक्रवार को कार्रवाई की। पुलिस ने देर शाम विश्व हिंदू परिषद के सह जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में 4 नामजद और 100 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि राजीव प्रकाश मधुकर को शांति समिति की बैठक में आमंत्रण दिया गया था। बैठक से लौटने के दौरान उनकी गिरफ्तारी हुई है। दोस्तों कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो बिहार के दरभंगा में कई लोगों ने मिलकर दरभंगा में कई जगहों पर हिंदू राष्ट्र लिखे हुए बैनर लगा दिए। इसी को देखते हुए कई मुस्लिम संगठनों ने शिकायत की, फिर उसके बाद ये कार्रवाई की गई। कई लोगों का कहना है ऐसा करने की वजह से आने वाले दिनों में माहौल बिगड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे हमारा देश भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है बल्कि ये राष्ट्र सभी लोगों का है। पर बीते कुछ महीनों से या कह लें कुछ सालों से कई लोगों में ये मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। जाहिर बात है इसी कड़ी में बिहार के दरभंगा में इस काम को अंजाम दिया गया। बाकी दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या सच में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है। वीडियो देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके दिए गए जवाबों से काफी कुछ पता चलेगा। वैसे दोस्तों मैं अपनी बात बताऊं तो मैं हिंदू राष्ट्र के पक्ष में नहीं हूं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अगले महीने यानी अप्रैल में 15 दिनों तक बैंकों के बंद रहने को लेकर। जी हां, नया वित्तीय वर्ष 2023-24 शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। इसके पहले महीने यानी अप्रैल में बैंकों में 15 दिन कामकाज नहीं होगा। देश में कई वजहों से अलग अलग जगहों पर 9 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इसके अलावा 5 रविवार और 2 शनिवार पड़ रहे हैं। अगर इन सभी छुट्टियों को मिला दिया जाए तो ये कुल 15 दिन बनते हैं। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले अप्रैल में देश के अलग अलग जगहों को मिलाकर कुल 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। हालांकि दोस्तों इन 15 छुट्टियों में से कई छुट्टियां ऐसी हैं जो देश के किसी खास एक जगह या कई जगहों के लिए होगी। हालांकि कई छुट्टियां ऐसी हैं जो पूरे देश के लिए रहेंगी। आपकी स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई जा रही है, इसके जरिए आप आसानी से जान सकते हैं कि कौन सी तारीख को बैंक बंद रहेंगे और किस वजह से बैंक बंद रहेंगे और उस दिन देश के किस हिस्से में या सभी जगहों पे बैंक बंद रहेंगे। इस टेबल के जरिए आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है PM मोदी की सुरक्षा में चूक होने को लेकर। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक दौरे पे गए प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का एक मामला सामने आया है। बताया गया है PM मोदी बेंगलुरु में बीते शनिवार को भाजपा की विजय संकल्प यात्रा के समापन समारोह में रोड शो कर रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति PM मोदी का सुरक्षा घेरा तोड़कर प्रधानमंत्री की तरफ बढ़ने लगा और उसे जल्दी पकड़ लिया गया। जानकारी के मुताबिक अब उसे हिरासत में ले लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां आरोपी से पूछताछ कर रही हैं। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जिसकी एक छोटी झलक आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बड़ी तेजी से बढ़ने को लेकर। जानकारी के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1590 नए मरीज मिले हैं। बताया गया है ये पिछले 146 दिनों में सबसे ज्यादा है। वहीं अब देश में एक्टिव मामले बढ़कर 8601 हो गए हैं। आपको बता दें फिलहाल सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, दिल्ली और कर्नाटक में दर्ज किए जा रहे हैं। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कोरोना की पिछली 2 लहरों में यही वो राज्य हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। बताया गया है इसी को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को लेटर लिखा है। उन्होंने देश के सभी राज्यों से कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने और हालात पर नजर रखने के लिए कहा है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अभी अपने देश में कई ऐसे हिस्से हैं जहां पे कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी की वजह से आने वाले दिनों में कई जगहों पर कोरोना को रोकने के लिए प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, यानी कि अगर ये मामले इसी तरह से बढ़ते रहे तो। हालांकि पहले की तरह लॉकडाउन की नौबत आएगी या नहीं ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। आइए दोस्तों आपको लगे हाथों बताते हैं कोरोना वायरस का ताज़ा अपडेट सीधे भारत सरकार की वेबसाइट से। तो भारत सरकार की अपनी वेबसाइट MyGov.in के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में 1590 नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। हालांकि इसी दौरान 910 लोग ठीक भी हुए हैं कोरोना वायरस से, पर इसी बीच 6 लोगों की जान चली गई है कोरोना के कारण। वहीं अगर बात की जाए एक्टिव केसों की तो अभी एक्टिव केसों की संख्या 8601 है। आसान शब्दों में कहें तो अब देश भर में इतने सारे कोरोना के मरीज हो गए हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। वहीं दोस्तों कोरोना को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस का संक्रमण रोग के दौरान और ठीक होने के बाद भी लोगों के लिए कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बना हुआ है। बताया गया है संक्रमण से ठीक होने के बाद भी लोगों में लंबे समय तक कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं देखी जा रही हैं। आपको बता दें इसी को लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड कहा जाता है। तो इसी लॉन्ग कोविड के अधिकतर मामलों में थकान, कमजोरी, कुछ लोगों में सांस फूलने की परेशानी, साथ ही में ब्लड प्रेशर और हृदय रोगों से भी संबंधित कई दिक्कतें महसूस की जा रही हैं। पर ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कोरोना के कुछ रोगियों में यानी कि लॉन्ग कोविड के मामले में अजीबोगरीब लक्षण देखे हैं। बताया गया है कई रोगियों को लोगों के चेहरे को पहचानने में दिक्कत हो रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी को लेकर। सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। राहुल गांधी के इस बयान से जुड़े मानहानि केस में सूरत की कोर्ट ने अभी
हाल ही में बीते गुरुवार दोपहर 12:30 बजे राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन केवल 27 मिनट के बाद ही उनको जमानत मिल गई। वहीं सजा के 26 घंटे के बाद अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब इन सब मामले के बाद राहुल गांधी का नया बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है। राहुल ने इसी लाइन के साथ अपनी बात की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने सवाल किया कि अडानी और मोदी का रिश्ता क्या है। साथ ही राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लोकतंत्र पर कही अपनी बात और सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है इस वाले बयान पर सफाई भी दी। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 16 बार मोदी जी और 9 बार प्रधानमंत्री और 38 बार अडानी का नाम लिया। साथ ही में राहुल गांधी ने कहा कि मैं सावरकर नहीं बल्कि गांधी हूँ, माफी नहीं मांगूंगा। साथ ही कहा, मोदी और अडानी पर मैं सवाल पूछता रहूंगा, मेरी संसदीय छीनकर वो मुझे डरा नहीं सकते। वहीं दोस्तों, राहुल गांधी को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, जैसा कि आप जानते हैं, संसद की सदस्यता खत्म हो गई है। बताया गया इस मामले को लेकर कांग्रेस में मंथन जारी है। वहीं दूसरी ओर एक और बड़ी खबर आ रही है कि सदस्यता खत्म करने के प्रावधान के खिलाफ देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। असल में दोस्तों, अपने देश में एक कानून है कि अगर किसी नेता को, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, अगर उसे किसी मामले में 2 साल की या इससे ज्यादा की जेल हो जाती है, सदस्यता खत्म कर दी जाती है। वहीं इस कानून में ये भी प्रावधान है कि सजा का समय पूरा होने के बाद भी 6 साल और गुजारने होंगे, तभी ऐसा नेता चुनाव लड़ सकता है। तो अब जो हाल ही में बीते रोज देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है, उसी में यही मांग की गई है कि इस वाले कानून को बदला जाए। अब दोस्तों, आने वाले दिनों में ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या फैसला आता है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है सीबीआई द्वारा लालू यादव के परिवार से पूछताछ को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक लैंड फोर जॉब स्कैम मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सीबीआई ऑफिस में करीब 8 घंटे पूछताछ चली। वहीं पूछताछ के बाद तेजस्वी यादव मुस्कुराते हुए निकले और लालू यादव से मिलने के लिए गए। वहीं बताया गया, दूसरी ओर लालू यादव की बेटी मीसा भारती से ईडी ने भी पूछताछ की। मीसा से ईडी की पूछताछ भी खत्म हो गई है। 2 शिफ्टों में लालू यादव की बेटी मीसा भारती से लगभग 7 घंटे की पूछताछ की गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी दिल्ली पहुंच गई हैं। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने कहा कि हम लोगों को न्यायालय पे भरोसा है, वहीं मुझे न्याय मिलने का भरोसा है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है एक ऐप द्वारा जिंदगी भर फ्री कॉलिंग का ऑफर मिलने को लेकर, या कह लें सर्विस। दोस्तों, वैसे तो फ्री कॉलिंग की बात अब गुजरे जमाने की हो गई है। तमाम टेलीकॉम कंपनियां फ्री में कॉलिंग का दावा करती हैं, जबकि वो आपसे पहले ही इसके लिए पैसे ले चुकी होती हैं। फ्री कॉलिंग सुनकर आप भी हैरान होंगे कि आखिर ये कैसे संभव है, लेकिन आपको बता दें, ये सच है। कुछ सिचुएशन में दोस्तों, बिना पैसे और बिना इंटरनेट खर्च किए आप भी लाइफ टाइम फ्री में कॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन में गूगल प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका नाम है ब्लूटूथ वॉकी टॉकी। हालांकि दोस्तों, इसमें एक शर्त है कि आप जिसे कॉल कर रहे हैं उसके फोन में भी ये वाला ऐप होना चाहिए। अब दोस्तों, जिंदगी भर फ्री कॉलिंग मिलने की बात है, इसकी वजह से इसमें कुछ परेशानियां तो होंगी ही। तो इसकी एक सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये ऐप केवल 100 मीटर के दायरे में काम करता है, क्योंकि ये ऐप कॉलिंग के लिए ब्लूटूथ का इस्तेमाल करता है और ब्लूटूथ की सीमा लगभग 100 मीटर होती है। अब ये कई लोगों को बिल्कुल ही खराब लग सकता है, लेकिन ये कई लोगों के बड़े ही काम का है, खास करके उन लोगों के लिए जो 100 मीटर के दायरे में या एक ही घर में रहते हैं, चाहे काम करते हैं और बार बार आपस में कॉल करने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे सिचुएशन में इसका फायदा उठाया जा सकता है। बाकी दोस्तों, आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ब्लूटूथ वॉकी टॉकी ऐप के जरिए जो 100 मीटर के दायरे में बिल्कुल फ्री में बात हो जाएगी, तो क्या ये फायदे का सौदा है या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है, वीडियो को देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है बाबा रामदेव को लेकर। जानकारी के मुताबिक योग गुरु स्वामी रामदेव हरिद्वार में 100 सन्यासी तैयार कर रहे हैं। बताया गया, रामनवमी के दिन इन युवाओं को सन्यास दीक्षा दी जाएगी। खास बात यह है कि सन्यास की राह अपनाने वाले इन युवाओं में लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी शामिल हैं। बताया गया, 100 में 60 युवक और 40 युवतियां हैं। बताया गया, बाबा रामदेव के आह्वान पर सैकड़ों युवक और युवतियां राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए सन्यास के रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो गए हैं। बताया गया, नवरात्र के 9 दिनों तक इन युवाओं को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाएगी। वहीं इस दौरान ये सभी कुटिया बनाकर रहेंगे और साधना करेंगे। वहीं बताया गया, बाबा रामदेव के सन्यास दिवस यानी कि रामनवमी के दिन 500 युवाओं को ब्रह्मचारी बनाया जाएगा। इस बारे में बाबा रामदेव का कहना है, ये युवा न सिर्फ ऋषि और सनातन परंपरा को आगे बढ़ाएंगे बल्कि पतंजलि योगपीठ के उत्तर अधिकारी भी बनेंगे। वहीं एक और जानकारी दी गई है कि जो 60 युवक और 40 युवतियां सन्यास लेने वाली हैं, तो इनमें कई युवा IIT से हैं, तो कई दूसरे अच्छे करियर को छोड़कर सन्यास को ही अपनी मंजिल मान रहे हैं। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है किराए पे गर्लफ्रेंड मिलने को लेकर। जी, अभी तक आपने किराए पे कमरा, दुकान, घर, फ्लैट, गाड़ी, बस मिलने के बारे में तो बहुत सुना होगा और किराए पर इन चीजों का इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड को हायर करने के बारे में सुना है, यानी कि किराए पर लेने के बारे में। ये सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन चीन में इन दिनों किराए की गर्लफ्रेंड बनने का चलन चल निकला है। बताया गया, लड़की यानी कि गर्लफ्रेंड को किराए पे लेने के बाद, हायर करने के बाद, आप उसके साथ शॉपिंग कर सकते हैं, लंच या डिनर कर सकते हैं। बस इसके लिए एक ही शर्त है कि आप
उस लड़की को टच नहीं कर सकते। बताया गया अभी हाल ही में एक चीनी अखबार के रिपोर्टर ने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को किराए पर देने वाले इस काम की असलियत जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन की। पत्रकार ने एक वेबसाइट पर फेक अकाउंट बनाया और गर्लफ्रेंड किराए पे लेने की डिमांड की। इसके बाद सोशल मीडिया पर 29 साल की एक ग्रेजुएट ने उससे संपर्क किया। महिला ने कहा उसकी डेली फीस 1000 युआन यानी कि 11,990 रुपए है भारतीय रुपए में। इसके अलावा किसी तरह की यात्रा या व्यवहार के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ सकते हैं। वहीं महिला ने ये भी कहा कि उसकी फोटो देखने के लिए रिपोर्टर को 20 युआन यानी कि करीब 240 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। बताया गया वो रिपोर्टर बाद में उससे मिलने गया। मिलने के बाद महिला ने बताया कि उसके पास एक व्हाइट कॉलर वर्कर के रूप में फुल टाइम जॉब है जिसमें उसे 60,000 रुपए सैलरी मिलती है। फिर आगे महिला ने कहा कि वो सिर्फ अपने खाली समय में किराए की गर्लफ्रेंड के रूप में काम करती है। आमतौर पर छुट्टियों के दौरान इसकी मांग बढ़ जाती है। दोस्तों इसी तरह जापान के लोगों के पास समय बिताने के लिए व्यक्ति को हायर करना पड़ता है। बताया गया है यहाँ सूडो यानी कि फेक बॉयफ्रेंड बनाने के लिए जापानी लड़कियां एक घंटे के लिए किराए के बॉयफ्रेंड को 5,000 जापानी येन यानी कि करीब 3,156 रुपए का किराया दे रही हैं। आपको बता दें जापान की सोइने या प्राइम नाम की कंपनी ने सन 2011 में इस तरह की सर्विस की शुरुआत की थी। अब दोस्तों इस पूरी जानकारी के बीच ताज़ा खबर ये है कि बीते कुछ सालों से बॉयफ्रेंड किराए पे मिल रहे थे लेकिन अब चीन में गर्लफ्रेंड भी किराए पे मिलने लगी हैं। इनका भी चलन शुरू हो गया है लेकिन सबसे बड़ी शर्त वही है कि आप किराए पे ली गई गर्लफ्रेंड को टच नहीं कर सकते। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है गांधी जी को लेकर। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दावा किया था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पास किसी भी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी। अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक तुषार गांधी ने सिन्हा के दावे का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि गांधी जी के पास डिग्रियों के साथ साथ दो भाषाओं में डिप्लोमा भी था। महात्मा गांधी के डिग्री को लेकर सभी फैक्ट उनकी आत्मकथा में मौजूद हैं। फिर उन्होंने आगे कहा कि मैंने बापू की आत्मकथा की एक कॉपी जम्मू राजभवन भेजी है ताकि उपराज्यपाल इसको पढ़ सके और जान सके कि देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले केवल 10वीं पास नहीं थे बल्कि बहुत पढ़े लिखे थे। असल में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये भी कहा था कि गांधी जी केवल 10वीं पास है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सुकेश चंद्रशेखर को लेकर। जानकारी के मुताबिक ठग सुकेश चंद्रशेखर ने अभी हाल ही में बीते 25 मार्च को एक बार फिर बॉलीवुड की एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को लव लेटर लिखा है। लव लेटर में सुकेश ने कहा है कि वो जेल के अंदर जैकलिन को बेहद ही मिस कर रहा है यानी कि याद कर रहा है और उनसे बहुत प्यार करता है। साथ ही में सुकेश ने लेटर में ये भी लिखा कि मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए कभी खत्म होने वाला नहीं है। लव लेटर में इसी तरह की कई और बातें लिखी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री को लेकर। दोस्तों मेवाड़ में नववर्ष के मौके पर जो धर्म महासभा हुई थी उसमें पंडित धीरेंद्र शास्त्री की ओर से दिए गए बयान का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल बागेश्वर बाबा के कुंभलगढ़ में हरे झंडे को हटाकर भगवा फहराने की बात कहने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की थी। साथ ही कुंभलगढ़ में भगवा फहराने पहुँचे 5 युवक को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। बताया गया इससे जिलों के शहर उदयपुर में माहौल गर्मा गया है और शनिवार को बागेश्वर बाबा के समर्थन में हजारों लोग सड़कों पर उतर गए। इन्होंने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको छोड़ने की मांग की। कुल मिलाकर आसान शब्दों में इन शॉर्ट में कहें तो अभी हाल ही में एक महासभा हुई थी जिसमें पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने ये कहा था कि कुंभलगढ़ में जो हरे झंडे हैं उनको हटाकर भगवा झंडा फहराया जाए पर उनके इस बयान को माहौल खराब करने वाला माना गया और इस मामले में उन पर केस भी दर्ज किया गया। तो इसी के खिलाफ जो उनके समर्थक हैं उन्होंने अभी हाल ही में प्रदर्शन किया। बाकी दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने ये जो बात कही तो क्या आप इसका समर्थन करते हैं या नहीं करते और इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अमृतपाल सिंह को लेकर। जानकारी के मुताबिक वारिस पंजाब दे के चीफ और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के 8वें दिन भी तलाश हो रही है। अब उसका एक और CCTV फुटेज सामने आया है जो पटियाला का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इसमें अमृतपाल सिंह जैकेट और चश्मा पहने हुए दिख रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये फुटेज अमृतपाल के पंजाब से हरियाणा आने के पहले का है। तो दोस्तों कुल मिलाकर फिलहाल यही खबर है कि पंजाब की पुलिस अमृतपाल सिंह को 8वें दिन भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सिद्धू मूसेवाला को लेकर। जानकारी के मुताबिक पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उसके परिवार द्वारा उसका भोग व बरसी कर दी गई है। इसी बीच गांव मूसेवाला के रहने वाला जगमोहन उत्तर प्रदेश के कानपुर में करौली दरबार पहुंचा जहां उसने अपना परिचय दिया कि वो मूसेवाला के गांव से है। इसके बाद बाबा संतोष भदौरिया ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला बच्चे की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। उसके परिवार से वो जाकर कहे कि कानपुर में करौली दरबार पहुंचकर उसकी मुक्ति करवाएं। मूसेवाला की आत्मा की मुक्ति का दरबार में कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। साथ ही में बाबा संतोष भदौरिया ने ये भी कहा कि सिद्धू मूसेवाला के परिवार से जाकर ये कहा जाए कि मूसेवाला की जान ली गई है इसी की वजह से उसकी आत्मा कष्ट में है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है CGI चंद्रचूड़ के एक नए बयान
बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बार फिर कानूनी पेशे में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने की वकालत की है। अभी हाल ही में बीते शनिवार को मदुरई में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कानूनी पेशे में महिलाओं और पुरुषों के अनुपात को निराशाजनक बताया। इस दौरान महिलाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि देश में प्रतिभाशाली महिला वकीलों की कोई कमी नहीं है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ये कहा है कि कानूनी पेशे में यानी कि वकील वगैरह के पेशे में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं काफी कम है और ये निराशाजनक है। इसी की वजह से आने वाले दिनों में महिलाओं की सहभागिता बढ़नी चाहिए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मौसम के हाल को लेकर। दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली समेत देश भर के ज्यादातर राज्यों में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है। इसके अलावा कई जगह ओले पड़ने की वजह से किसान परेशान है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के राज्यों के लिए उस तारीख की भी जानकारी दे दी है जब से बारिश आंधी तूफान और ओलावृष्टि में कमी आएगी। हालांकि देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर 3 दिनों तक बारिश आंधी और तूफान जारी रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में बारिश आंधी तूफान और ओलावृष्टि की गतिविधियां 26 मार्च से कम होने लगेंगी। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिम हिमालय क्षेत्र के अलावा पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश पश्चिमी राजस्थान पूर्वी राजस्थान के कई हिस्से आते हैं। वहीं बताया गया मध्य भारत में यानी कि छत्तीसगढ़ में विदर्भ में और पूर्वी मध्य प्रदेश में आज 26 मार्च को बारिश आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा आज 26 मार्च को छत्तीसगढ़ में ओले भी पड़ सकते हैं। बाकी आइए दोस्तों आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं यानी कि आज खास 26 मार्च 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी हिमालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी और बर्फबारी की भी उम्मीद है। इसके अलावा भी हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा के साथ बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा भी पूर्व उत्तर भारत में गंगे पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में उड़ीसा में छत्तीसगढ़ में और तटीय तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी विदर्भ में तेलंगाना में पूर्वी मध्य प्रदेश में आज हल्की बारिश की संभावना है। दोस्तों अभी हमने आपको जिन भी शहरों जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं उनको छोड़कर आज पूरे देश में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। हालांकि आपको बता दें बारिश को लेकर जो पूर्व उत्तर भारत बताया गया है तो इसमें देश के कई हिस्से आते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ट्विटर के वेरिफिकेशन प्रोग्राम को लेकर। जानकारी के मुताबिक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर गोल्डन टिक के लिए कंपनियों को अब हर महीने $1,000 यानी के करीब ₹82,000 चुकाने होंगे। यही नहीं अब कंपनियों को अपने ट्विटर अकाउंट से जुड़े दूसरे अकाउंट के लिए भी हर महीने $50 यानी के करीब ₹4,000 एक्स्ट्रा देने होंगे। साथ ही में ट्विटर ने ये भी कहा है कि वो आने वाले 1 अप्रैल से अपने लीगेसी वेरिफिकेशन प्रोग्राम को समाप्त करना शुरू कर देगा। इसके तहत कंपनी यूजर्स के अकाउंट से ब्लू टिक हटाना शुरू कर देगी। इसका असर सीधे यूजर की जेब पर पड़ेगा। हालांकि फ्री ब्लू टिक वाले यूजर्स पैसे देकर ट्विटर की ब्लू की सेवा ले सकते हैं तो उनका ब्लू टिक बना रहेगा। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आने वाले अप्रैल के महीने से जिन भी लोगों का ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड है फिर अगले महीने से जो यूजर पैसे देंगे तो उनके अकाउंट को वेरीफाइड वाला टिक मिलेगा और जो यूजर पैसे नहीं देंगे तो उनको ये टिक नहीं मिलेगा। खास बात यह है कि जो कंपनियों का अकाउंट है उनको गोल्डन टिक दिया जाएगा लेकिन उन्हें इसके लिए हर महीने $1,000 देने होंगे यानी कि लगभग ₹82,000। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है तानाशाह देशों को लेकर। जी हां यूक्रेन और उसके बीच शुरू हुए जंग को लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया है। बताया गया है ये युद्ध जितना लंबा खींच रहा है दुनिया भर में राजनीतिक खेमेबंदी की तस्वीर भी उतनी स्पष्ट होती जा रही है। बताया गया इसी हफ्ते चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जिस समय रूस में पुतिन के साथ डिनर कर रहे थे यानी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ठीक उसी समय जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा यूक्रेन में राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। बताया गया रूस और यूक्रेन के युद्ध ने एक चौंकाने वाली तस्वीर भी पेश की है। बताया गया आज खुलकर रूस के पक्ष में जो भी देश खड़े नजर आ रहे हैं वो असल में सभी निरंकुश शासन में है यानी कि इनमें से अक्सर देशों में तानाशाही वाला शासन है। चाहे बात हो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की या उत्तर कोरिया की या फिर ईरान की या सऊदी अरब की या फिर सीरिया की। बताया गया इन सभी शासकों को तानाशाहों के तौर पे देखा जाता है। यही नहीं बेलारूस माली सूडान एरिट्रिया क्यूबा इसके अलावा भी कई और देश हैं जो रूस के साथ हैं और इनमें से अक्सर देशों की खास बात यह है कि यहाँ के शासकों को चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री उनको तानाशाह माना जाता है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में ये कहा जा सकता है कि रूस का जो भी देश साथ दे रहे हैं उनमें से अक्सर तानाशाह हैं या उन्हें तानाशाह समझा जाता है। पर दोस्तों इस दुनिया में कई देश ऐसे भी हैं जो कि ना तो खुलेआम तौर पर यूक्रेन के साथ हैं और न ही रूस के साथ। उन्हीं में से एक देश है अपना भारत जो ये चाहता है कि लड़ाई के जरिए नहीं बल्कि बातचीत से मामले को हल किया जाए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सीरिया में ईरान और अमेरिका के आपस में भिड़ने को लेकर। जानकारी के मुताबिक सीरिया में अभी हाल ही में बीते 23 मार्च को ईरान और अमेरिका के बीच एयर स्ट्राइक के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान सामने आया। बाइडेन ने कहा हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कड़ी कार्रवाई करेंगे। दरअसल बात यह है कि अभी हाल ही में
बीते गुरुवार को सीरिया में ईरान समर्थित ग्रुप ने अमेरिकी बेस पे हमला किया था। इसमें एक अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर की जान चली गई थी, वहीं 6 सैनिक घायल हुए थे। अमेरिका के मुताबिक इस हमले में ईरानी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। फिर इसी के जवाब में अमेरिका ने भी अपने F-15 फाइटर जेट से ईरानी बेस पर एयर स्ट्राइक की, यानी कि लड़ाकू विमान से हमले किए। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया है कि इस हमले में उनके 11 सैनिकों की जान चली गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान ने दोबारा मिसाइल से अटैक किया, इसमें 2 महिलाओं और बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो सीरिया में ईरान और अमेरिका के बीच एक छोटी सी जंग चल रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान को लेकर। जानकारी के मुताबिक रमजान के महीने में भी पाकिस्तान की जनता को महंगाई से निजात नहीं मिली है। आमतौर पर रमजान के दौरान लोगों को खाद्य उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी का सामना तो वैसे भी करना पड़ता है, लेकिन इस साल पाकिस्तान में महंगाई का आलम कुछ और ही है। बताया गया है पिछले साल रमजान के महीने में जो 20 किलो आटे का पैकेट 800 से 1500 रुपए के बीच में आता था, अब उसी का दाम 1295 रुपए से लेकर 3100 रुपए तक पहुंच गया है, यानी कि लगभग डबल हो गया है। इसी बीच ये भी परेशानी है कि लोगों को, यानी कि पाकिस्तान के लोगों को आटा भरपूर मात्रा में मिल भी नहीं पा रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है केजरीवाल के नए बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी हाल ही में बीते शनिवार को पंजाब के जालंधर दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह का नाम लिए बिना निशाना साधा। इसमें केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में भगवत मान के नेतृत्व वाली सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े फैसले लेने से हिचकेगी नहीं। साथ ही में केजरीवाल ने ये भी कहा कि राज्य में माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले लोग फरार हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है देश के गृह मंत्री अमित शाह के एक नए बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में मंच से कमलनाथ से सवाल किए। अमित शाह ने कहा, आपको जनता ने एक मौका दिया था, आपने क्या किया, इसका हिसाब किताब तो दो। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि शिवराज सिंह जो मध्य प्रदेश छोड़कर गए थे, उसमें भी आपने भ्रष्टाचार कर लूट खसोट का काम किया। शाह ने मंच से पीएम मोदी की योजनाएं भी गिनाई। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राजस्थान में 4% डीए बढ़ने को लेकर। जी, राजस्थान के कर्मचारियों को खुशखबरी दी गई है, क्योंकि उनका डीए बढ़ा दिया गया है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, डीए महंगाई भत्ते को कहा जाता है। डीए 4% बढ़ने के बाद अभी 38% से बढ़कर 42% हो गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दलाई लामा को लेकर। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में दलाई लामा ने 8 साल के एक बच्चे को मंगोलिया के सबसे बड़े बौद्ध धर्म गुरु की मान्यता दी है, जो अपने आप में ही एक बड़ी हैरान करने वाली जानकारी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राम रहीम को लेकर। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के राजनीतिक विंग को बंद कर दिया गया है। रोहतक की सुनारिया जेल में साध्वियों के यौन शोषण और 2 कत्ल केस में सजा काट रहे राम रहीम ने इस पे मोहर लगा दी है। अभी हाल ही में बीते शनिवार को राम रहीम की 14वीं चिट्ठी आई, जिसमें राम रहीम ने राजनीतिक विंग को बंद करने पर सफाई दी है, यानी कि राम रहीम का जो राजनीति से जुड़ा कनेक्शन है उसको बंद करने की बात कही गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अमेरिका में टोर्नेडो की वजह से बड़ी तबाही होने को लेकर। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के मिसिसिपी में अभी हाल ही में बीते शुक्रवार देर रात एक टोर्नेडो आया, यानी कि तूफान का एक बवंडर। बताया गया इसकी वजह से 23 लोगों की जान चली गई है और अभी भी कई लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। बताया गया इसी बीच इलाके में बहुत तेज बारिश हुई और गोल्फ बॉल जितने बड़े ओले गिरे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है करण अर्जुन फिल्म को लेकर। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन ने करण अर्जुन फिल्म को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि करण अर्जुन फिल्म का नाम पहले कायनात था और सलमान खान की जगह इस फिल्म में अजय देवगन काम करने वाले थे, लेकिन किसी वजह से अजय देवगन मूवी में काम नहीं कर पाए और ये रोल सलमान खान को मिल गया और जो कायनात फिल्म थी वो बन गई करण अर्जुन। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है फर्जी वेब सीरीज को लेकर। जानकारी के मुताबिक शाहिद कपूर और विजय सेतुपति की वेब सीरीज जिसका नाम फर्जी है वो OTT पर खूब धमाल मचा रही है। बताया गया अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को फर्जी नाम की वेब सीरीज OTT प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज बन गई है। बताया गया भले ही सीरीज को क्रिटिक्स से मिक्स रिस्पॉन्स मिले हो, लेकिन फैंस के बीच अभी भी सीरीज का क्रेज बरकरार है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है वंदे भारत ट्रेन को लेकर। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के वाशिंदों के सपनों की ट्रेन यानी कि वंदे भारत आखिरकार अजमेर पहुंच गई है। इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है। चेन्नई से अजमेर पहुंची वंदे भारत ट्रेन का मंगलवार से ट्रायल शुरू होगा। यह ट्रायल 4 दिन तक चलेगा, इसके बाद उसे जल्दी पीएम नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और ये नई वंदे भारत ट्रेन अजमेर जयपुर दिल्ली के बीच चलेगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आज 26 मार्च 2023 के राशिफल को लेकर। दोस्तों हम आपको हर बार की तरह बता दें कि राशिफल की ये जानकारी हम आपको केवल खबर के तौर पे बताते हैं, क्योंकि राशिफल में कई लोग मानते हैं और कई लोग नहीं मानते हैं। इसी की वजह से राशिफल की ये जानकारी केवल खबर के तौर पर है। आस्था, विश्वास, भरोसा, सब कुछ अपनी अपनी जगह है। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज का दिन धन के मामले में कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। आज आपको धन इकट्ठा करने में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं वृषभ राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज जल्दबाजी करने से आपको बचना होगा। आज जल्दबाजी में कोई काम न करें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। वहीं मिथुन राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज के दिन आपको कड़ी मेहनत करने की
की जरूरत है। कड़ी मेहनत के बाद ही आपको अच्छे परिणाम हासिल होंगे। वहीं कर्क राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है। आज आपको धन इकट्ठा करने में कई अच्छे अवसर मिलेंगे। वहीं सिंह राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है। बताया गया आज का समय उनके लिए पूरी तरह से बेहतर होगा जो सिंह राशि वाले हैं। वहीं कन्या राशि वालों को लेकर कहा गया है कि कन्या राशि के लोगों के लिए आर्थिक रूप से ये समय यानी कि आज का दिन भाग्यशाली रहने वाला है। बताया गया आज आप कई रास्तों के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं। इतना ही नहीं, आज आपको अपना अटका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। वहीं तुला राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज का दिन सामान्य से निम्न रह सकता है। आज आपका अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि अपनी वाणी यानी कि अपनी बात पर थोड़ा काबू रखें, वरना संबंध ज्यादा बिगड़ सकते हैं। वहीं वृश्चिक राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए थोड़ा संभल कर रहें। हालांकि आज आप अपनी बुद्धि और चतुराई से कई कठिनाइयों को दूर करने में सफल रहेंगे। वहीं धनु राशि वालों को लेकर कहा गया है कि धनु राशि वालों के लिए आज अपने काम के साथ पर आदर और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि काम में आज आपको सम्मान मिलेगा। वहीं आज का दिन नौकरी पेशा वर्ग के लोगों के लिए अच्छा रहेगा, साथ ही आप अपनी छुट्टी का भी पूरा आनंद उठा सकेंगे। वहीं मकर राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर आपने किसी के साथ विश्वासघात किया है तो आपको उसकी सजा मिल सकती है। वहीं कुंभ राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज का दिन अपने व्यक्तित्व को निखारने का है। आज आपसे लोग बहुत जल्दी प्रभावित होंगे, साथ ही समाज में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। वहीं मीन राशि वालों को लेकर कहा गया है कि मीन राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की सख्त जरूरत है। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।